नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी onlyairway.com की आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और दोस्तों हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों लाइक और शेयर भी करना ना भूलें ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, लाभ ले सकें। तो दोस्तों बिना किसी देरी का ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों कैंसर और किडनी के बीमारियों से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको अक्सर उल्टी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और अगर कैंसर है तो उल्टी आएगी, किडनी के मरीज़ हैं तो उनको भी उल्टी महसूस होती है। इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी चल रही है तो उसमें भी उल्टियाँ काफ़ी आती हैं। तो ऐसे में आयुर्वेद ने हमें एक रामबाण प्रयोग दिया है जिससे कि उल्टियों में काफ़ी राहत मिलती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है। तो दोस्तों आइए बिना कुछ देर किए देख लेते हैं क्या प्रिपरेशंस हैं, आयुर्वेद ने हमें इसके बारे में क्या बताया है। इसमें सबसे पहले तो पुदीने की चाय है। 2 चम्मच पुदीने की पत्तियों का पाउडर और 2 कप पानी, इनको अच्छी तरह से मिलाकर उबाल लें, और जब ये 1 कप रह जाए तो इसे छान लें और कुछ बूंदे नींबू की रस की मिला लें, और इसको एक ही बार में कंज्यूम कर लेना है और हर बार इसको फ्रेश ही बनाना है। और इसको आप 4-5 दिन तक ये डोज लें, और इस पुदीने की चाय को लेने के बाद आपको उल्टी और उबाक को रोकने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये बाइल को शरीर से बाहर निकालता है और छोटी आंत की सफाई भी करता है, और जिससे कि उल्टी रोकने में हेल्प मिलती है। और दोस्तों अदरक की चाय भी इसमें काफ़ी इफेक्टिव है। ताज़ा अदरक का छोटा टुकड़ा अच्छे से कूट कर इसका रस निकाल लें और एक लौंग को भी कूट लें। अभी इसको 1 कप गर्म पानी में डालकर कुछ टाइम तक रहने दें और 10 मिनट के बाद इसको धीरे धीरे पिएं। ये दिन में 3 बार ले सकते हैं। अदरक पेट में मौजूद टॉक्सिन्स और एसिड को भी अधिशोषित कर लेता है, और साथ में ये गैस्ट्रिक मोलालिटी को भी बढ़ा देता है जिससे भोजन नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है और उल्टी बंद हो जाती है। और लौंग को गर्भावस्था में नहीं लेना है, इस बात का ख्याल रखें। और दोस्तों एक और प्रयोग भी है, 1/4 एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट को 1 गिलास पानी में डालकर इसे पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा पिए। अगर उल्टी मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रही है तो उसमें आपको राहत मिलेगी, और क्योंकि मैग्नीशियम की कमी से भूख ना लगना, उल्टी, उबाक, थकान ये सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, और ये मैग्नीशियम की पूर्ति करता है तो इससे उल्टी वाले रोगों में हेल्प मिलनी चाहिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि उल्टी वाले रोगी को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। उल्टी के दौरान रोगी को दलिया, कद्दूकस की हुई गाजर, सेब और अंगूर का 1/2 कप रस मिलाकर दें, और केले और तरबूज को बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से मैश करके थोड़ा थोड़ा खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे प्रिपरेशंस हैं, अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको उल्टी की प्रॉब्लम है तो वोमिटिंग में बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों आप ये जरूर करके देख सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो, या कोई और है तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट शेयर कर सकते हैं, और आपके कोई फीडबैक कमेंट्स आदि हैं तो हमारे साथ आप जरूर शेयर करें।